ऐश आराम, ये सुख, ये सुकून, ये चैन की नींद, ये सब पर मेरा भी हक था जो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अब मैं अपना हक वापस लेने आ गई हूँ जो मुझसे छीना गया था, और वो मैं वापस लेके रहूंगी। कैसा अजीब सा एहसास था। तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू। घूंघट करके रखा तो उनका शक बढ़ेगा, और काला दाग दिखा तो उनका शक पैदा हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है। मीनू जी, तुम ना उसे दादी जी का सारा काम अच्छे से समझा दें जी, क्योंकि आज से दादी जी का पूरा काम वही करेगी जी। ठीक है भाभी। भाभी उसका नाम क्या है? नाम, हाँ उसका कमली। कमली, हाँ उसका नाम कमली। ठीक है भाभी जी। मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। तुम्हारा नाम कमली है ना? ये मीनू है, ये तुम्हें दादी जी का सारा काम समझा देगी। ठीक है, ये क्या गिरा हुआ है? इसमें तो दाग छुपाने वाले पैचेस हैं। मीनू जल्दी से दवाई का डिब्बा लेके आ जाओ, जल्दी। कैसे लग गई ये कील? मैं अभी एक कील ठीक करवाती हूँ, आप तब तक हाथ धो के आ जाओ। ठीक है, अभी आई मैं। बड़े मकसद के लिए ऐसे छोटे छोटे दर्द तो सहन ही पड़ेंगे। इनको खून के आंसू रुलाने के लिए चाहे मुझे अपने खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो मंजूर है। थैंक यू। वैसे माँ कहाँ है? मुझे पता चला कि कल तुमने माँ को मधुमक्खियों से बचाया।
सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आगे से माँ की ऐसे ही सेवा करते रहना। निहार, वो जो औरत मधुमक्खी लेके आई थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं पापा, लेकिन मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन पापा ये श्योर है कि वो मटके वाली औरत ही थी, क्योंकि उस तरबूज में भी वैसे ही आंख और मुंह बना हुआ था। अब ये सब छोड़िए ना, आप लोग नाश्ता कीजिए। अब कमली, तुम भी जाके नाश्ता कर लो। इस चेयर पे मेरा हक था। तस्वीर कैसे गिर गई? माँ शायद हवा से गिर गई है। इतनी तेज भी हवा नहीं चल रही है रुचिता। पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मटके वाली औरत कहीं आसपास ही है? अरे हर बार उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या पता कील निकल गई हो और हवा के झोंके से तस्वीर गिर गई हो। इतना मत सोचो तुम लोग, चलो अगर आशा करो। फिर भी पापा एक बार चेक कर लेते। ठीक है बेटा, बाद में चेक कर लेना, बैठ जाओ। मैं देखता हूँ पापा।